एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर लेक्चर फॉर यू टुडे। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इज़एमआर का यूज। अब आपने इज़एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म तो पढ़ी होगी। हिंदी एंडिंग इज विद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। इज ही स्कोल्डिंग यू, क्या वो तुम्हें डांट रहा है? बट हम कभी कभी इज़एमआर के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब वो पैसिव वॉइस नहीं होता गाइस। जब हम इज़एमआर प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, एट दैट टाइम वर्ब थर्ड फॉर्म वर्क्स एंड एज एन एडजेक्टिव। वो एक एडजेक्टिव का काम करता है। और यहाँ हिंदी एंडिंग होती है हुआ है, हुई है, या वो उस कंडीशन में पहुँच गया है। चलिए थोड़ी सी वर्ब्स देखते हैं, लाइक ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अब ब्रेक का मतलब तो टूटना होता है, बट ब्रोकन की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है टूटा हुआ। टीयर, टोर, टॉन। टीयर का मतलब होता है फाड़ना, बट टॉन का मतलब होता है फटा हुआ। कुक, कुक्ड, कुक्ड। वैसे ही कुक का मतलब होता है पकाना, बट कुक्ड जब थर्ड फॉर्म की बात करते हैं उसका मतलब होता है पका हुआ। सिमिलरली स्टिच्ड, स्टिच्ड, स्टिच्ड। स्टिच मतलब सिलना, बट स्टिच्ड का मतलब होता है सिला हुआ। चलिए थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस नोट इज टॉर्न, ये नोट फटा हुआ है। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि वो उस कंडीशन में पहुँच गया है। फूड इज कुक्ड, खाना पका हुआ है। द चेयर इज ब्रोकन, चेयर टूटी हुई है। तो जब हम इन सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि वो इस कंडीशन में पहुँच गया है। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। द ड्रेस वॉज स्टिच्ड, ड्रेस सिली हुई थी। जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग वॉज वर्ब। आप इज़एमआर की जगह वॉज वर्ब यूज कर सकते हो। द रूम इज डेकोरेटेड, ही इज कन्फ्यूज्ड, शी वॉज शॉक्ड, और यू वर सैटिस्फाइड, तुम संतुष्ट थे। दे वर प्रिपेयर्ड, टिकट्स वर बुक्ड। वाई आर यू स्केयर्ड, तुम डरे हुए क्यों हो? दैट पाइप इज बेंट, वो पाइप मुड़ी हुई है। इज ही हिडन समवेयर, क्या वो कहीं छुपा हुआ है? आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम अवेक, मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं उठा हुआ हूँ या मैं जागा हुआ हूँ। ही वॉज लॉस्ट इन समबडीज ड्रीम, वो किसी के ड्रीम्स में खोया हुआ था। ही इज ड्रंक, उसने पी रखी है। इट इज फ्रोजन, ये जमा हुआ है। सो इन सेंटेंसेज में हमने देखा कि एंडिंग हो रही थी हुआ है, हुई है, हुए हैं। I'll be back with another interesting lecture for you. I hope till then you will be clear with the usage of IZMR plus third form. Till then, stay tuned.